आई एम आरती एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपसे बात करेंगे हाउसफुल 4 के ट्रेलर के बारे में। जी हाँ, एक बार फिर से हंसी के हैवी डोज के साथ लौट आई है हाउसफुल की सीरीज। बहुत ही कम ऐसी मूवीज होती हैं जिन्हें हम एक से ज्यादा बार देखना पसंद करते हैं, और हाउसफुल की सीरीज उन्हीं में से एक है। जब भी आती है तो हंसी का तड़का लगा के ही जाती है, और एक बार फिर से लौट आई है हम सभी की फेवरेट मूवी, जो इस बार दिवाली के पटाखे फोड़ने के साथ साथ हंसी के पटाखे फोड़ने का भी काम करने वाली है। और फिल्म में एक बार फिर से लीड रोल में नजर आने वाले हैं अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार के बारे में तो ये हम सभी बखूबी जानते हैं कि वो अपनी कमाल की कॉमेडी टाइमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इनका साथ देने वाले हैं रितेश देशमुख, जो कि अपने हर किरदार में हंसी से जान डाल देते हैं। और इसी के साथ ये दोनों ही ऐसे एक्ट्रेस हैं जो हाउसफुल की सीरीज 1 से एक साथ बने हुए हैं, और कॉमेडी में इन दोनों ही एक्टर्स का कोई जवाब नहीं है। और इसी के साथ इस बार नए किरदार नजर आने वाले हैं धर्मपुत्र यानी कि बबुल देओल, जो कि रेस 3 के बाद अब इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। अब देखना होगा कि हाउसफुल में बॉबी क्या कमाल करते हैं। पर इससे भी ज्यादा बड़ा चेंज हुआ है फीमेल लीड में, क्योंकि इस बार आपको कोई भी पुराना फेस नजर नहीं आएगा। कृति सैनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े हाउसफुल 4 में पहली बार एक साथ काम कर रही है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिल्म में नयापन फील में कितने चार चांद लगाता है। अब बात करें ट्रेलर लॉन्च की, तो हाउसफुल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इस फिल्म को डायरेक्टर फरहाद समजी ने बनाया है। फिल्म हर बार हाउसफुल फ्रेंचाइजी की फिल्मों में अलग कहानी दिखाई जाती है। इस बार फिल्म को पुनर्जन्म से जोड़ा गया है। चंकी पांडे भी इस बार कॉमेडी फिल्म में वापस करने जा रहे हैं। सभी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। चलिए आपको बताते हैं ट्रेलर किस तरह का बनाया गया है। ट्रेलर की बात करें तो मस्ती मजाक और कंफ्यूजन से भरा हुआ है। अक्षय कुमार लंदन में रहने वाले आदमी है जो 600 साल पहले राजकुमार था। उसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, या और फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पुनर्जन्म की गुत्थी को सुलझाता है और अपने प्यार को पाने की कोशिश करता है। हाउसफुल 4 का ट्रेलर मजेदार है। इस ट्रेलर में ढेर सारे जोक हैं और आप अक्षय कुमार और रितेश देशमुख को बढ़िया कॉमेडी करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में कृति खरबंदा, कृति सैनन और पूजा हेगड़े सिर्फ ग्लैमर का तड़का ही नहीं लगा रही, बल्कि एक्शन भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो ट्रेलर में सबसे ज्यादा खास बात है वो है सपोर्टिंग एक्ट्रेस। फिल्म में राणा दुग्गबाती एक खंखार पहलवान के रोल में बढ़िया लग रहे हैं, तो वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बाबा के रोल में नजर आने वाले हैं। अब नवाज को इस फिल्म में बढ़िया कॉमेडी करते हुए देख पाएंगे। ट्रेलर में उनकी पॉपुलर वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स का डायलॉग अपुन को लगता है अपुन इच भगवान है सुनकर आपकी हंसी रोक नहीं पाएगी। साथ ही चंकी पांडे, जॉनी लीवर और रणजीत भी कमाल लग रहे हैं। हाउसफुल 4 के ट्रेलर को देखकर लगता है कि इस बार दिवाली सही में हैप्पी होने वाली है। बता दें आपको, हाउसफुल 4 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। और इसके अलावा अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो वो हाउसफुल 4 के अलावा फिल्म सूर्यवंशी, गुड न्यूज, बच्चन पांडे, लक्ष्मी बॉम्ब और पृथ्वीराज में भी काम कर रहे हैं। अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जब हाउसफुल 4 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में आएगी, तब क्या फिल्म भी ट्रेलर की ही तरह शानदार होगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़।